बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे अभिनेता हैं जिन्होंने अपना प्यार मुकम्मल करके उन्हें अपना जीवन साथी भी बनाया है और आज वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ खुशी खुशी हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के कुछ पुराने मशहूर अभिनेता प्यार के मामले में नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह काफी अलग अलग और ट्रेजेडी से भरी हुई है। तो चलिए आपको उन अभिनेताओं से रूबरू करवा देते हैं जिनका प्यार मुकम्मल नहीं हो पाया। नंबर 8 पर है सुनील शेट्टी। अभिनेता सुनील शेट्टी का प्यार इन्हें नसीब ही नहीं हुआ, क्योंकि वो होता कैसे, जब इनका दिल बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे पर आया था तब ये शादीशुदा भी थे और ये एक बच्चे के पिता भी थे और ये अपनी फैमिली को छोड़कर तो सोनाली से किसी कीमत पर शादी नहीं करते, इसीलिए इनका ये प्यार नाकामयाब रह गया था। नंबर 7 पर है गोविंदा। जी हाँ, अभिनेता गोविंदा का प्यार एक बार नहीं बल्कि दो बार नाकामयाब रह चुका है। जी हाँ, इनका पहला प्यार थी नीलम कोठारी, जिनके साथ ही अपनी बीवी सुनीता आहूजा की वजह से शादी नहीं कर पाए थे। इनका सेकेंड प्यार भी अभिनेत्री रानी मुखर्जी थी, जिनके साथ ये लिव इन में भी रहे थे, पर अपनी फैमिली और बच्चों के खातिर इन्होंने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी थी। नंबर 6 पर है अनिल कपूर। बॉलीवुड के झकास अभिनेता अनिल कपूर भी अपने पहले प्यार के मामले में नाकामयाब रहे थे। जी हाँ, 90 के दशक में इनका दिल आया था अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर, जिनके ये बहुत बड़े मुरीद हुआ करते थे, पर माधुरी दीक्षित ने कभी भी अनिल कपूर को प्यार भरी नजरों से देखा ही नहीं बल्कि दोस्ती भरी नजरों से ही देखा था, जिसके चलते अनिल कपूर ने आज तक माधुरी दीक्षित के सामने अपने प्यार को कबूल नहीं किया है। नंबर 5 पर है संजय दत्त। अभिनेता संजय दत्त ने जब पहली बार मॉडल ऋचा शर्मा को देखा था तो इन्होंने सोच लिया था कि हमेशा ये ऋचा को अपनी दुल्हनिया बनाकर रखेंगे, उन्हें खूब दौलत शोहरत के मालिक बनाएंगे। पर जब ऋचा शर्मा का देहांत हुआ तब संजय दत्त पूरी तरह से टूट गए थे। जी हाँ, इनका पहला प्यार ही इनसे छिन गया था, जिसके बाद जाकर बड़ी मुद्दत के बाद इन्हें वो प्यार अभिनेत्री मान्यता दत्त में मिला था। नंबर 4 पर है अजय देवगन। अभिनेता अजय देवगन को अपना प्यार करिश्मा कपूर नसीब नहीं हुई, क्योंकि उनका मन अभिनेत्री काजल के लिए बहक गया था और काजोल के चक्कर में आकर इन्होंने बला की खूबसूरत अभिनेत्री करिश्मा कपूर को छोड़ दिया, जिसके बाद इन्हें काफी पछतावा हुआ, पर ये कुछ भी नहीं कर पाए। नंबर 3 पर है ऋतिक रोशन। जी हाँ, प्यार के मामले में तो अभिनेता ऋतिक रोशन भी बड़े बदनसीब रहे हैं। जी हाँ, पहले ही लव मैरिज करके बैठे अभिनेता ऋतिक रोशन का दिल अभिनेत्री कंगना रनौत पर भी आ गया था, जिसके साथ ही खूब सुर्खियां बटोरने लगे थे, मगर फैमिली प्रेशर में आकर ऋतिक रोशन ने कंगना को छोड़ दिया, जिसकी वजह से इनका पर्सनल लाइफ पूरी तरह से तबाह हो गई थी। नंबर 2 पर है सनी देओल। 80 के दशक के धाकड़ अभिनेता सनी देओल का अफेयर अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया के साथ खूब चला था, जहां पर सनी देओल तो डिंपल के साथ शादी भी करना चाहते थे, पर अपने पापा धर्मेंद्र की वजह से ये डिंपल का हाथ नहीं थाम पाए और कुछ इस तरह से ये प्यार के मामले में नाकामयाब रहे। नंबर 1 पर है अक्षय कुमार। अभिनेता अक्षय कुमार भी लव के मामले में बहुत ट्रेजेडी झेल चुके हैं। जी हाँ, सबसे पहले इनका दिल अभिनेत्री पूजा बेदी पर आया था, पर ये उन्हें स्वीकार नहीं कर पाए। फिर इनके बाद इनके दिल शिल्पा शेट्टी और रवीना टंडन पर भी आया, जिन्हें ये खुद ही कमिटमेंट देने में असफल रहे थे, और इन्होंने जब लास्ट टाइम प्यार किया ट्विंकल खन्ना से, तब अक्षय ने उन्हें ऐसा जकड़ा कि आज तक ट्विंकल खन्ना इनकी लव लाइफ बनी हुई है। तो दोस्तों, किस अभिनेता को उनका प्यार मिल जाना चाहिए था, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताएं, और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।